हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कुंदन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन का हम KYC कैसे करेंगे और जो एरर आ रहा है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, CSC से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 लिंक दिया हुआ है, एक CSC से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉगिन डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। तो चलिए बायोमेट्रिक लॉ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी है आधार कार्ड, अकाउंट नंबर या तो बेनिफिशरी ID जो भी है आपके, यहाँ डालकर यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कस्टमर का डिटेल यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो आपका अनफिल रहेगा वो फिल करेंगे, यानी जिसमें आपको भरा हुआ नहीं रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे हो गया, आधार नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर, जो भी भरा नहीं रहेगा उसे हम भरिएगा। भरकर डेमोग्राफी अर्थों पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस देख सकते हैं खुल के आ चुका है। यहाँ पर गो टू बायोमेट्रिक अर्थिकेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो डिवाइस लगा हुआ रहेगा उसका, मेरा मार्फो का लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्फो RD सर्विस 1102 करके आ चुका है। तो चलिए अब उसे हम कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो डिवाइस है उसका लाइट बढ़ चुका है। तो चलिए कस्टमर को लगवाते हैं फिर उंगली। तो चलिए उंगली लगाने के बाद देख सकते हैं उंगली ले चुका है। तो अब अथिकेट नो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इसका सर्वर स्लो चल रहा है। तो चलिए देख सकते हैं इसका अगला पेज क्या आता है। इधर देख सकते हैं यहाँ पर बायोमेट्रिक अथिकेट फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन, यही इरर आ रहा है बार बार। जब भी कर रहे हैं 100 बार 200 बार, लगभग 50-60 बार हम कर चुके हैं, यही इरर दिखने को मिल रहा है। तो चलिए हम किससे इसे सॉल्व करेंगे, नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के बाद फिर से हम ई लाभार्थी सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब सेकेंड नंबर का हम जो यहाँ पर देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम लॉगिन डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर से बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी, यहाँ पर आपके पास जो भी है उसे डालेंगे, डालकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद गो टू बायोमेट्रिक अथिकेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके मार्फो में क्लिक करके कैप्चर एंड बायोमेट्रिक डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मार्फो का लाइट यहाँ जल चुका है। तो चलिए अब उंगली लगवाते हैं कस्टमर का। तो देख सकते हैं उंगली लगा चुके हैं, तो इसका थोड़ा सर्वर भी स्लो चल रहा है। तो चलिए देख सकते हैं अथिकेट नो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अगला इंटरफेस, यहाँ पर देख सकते हैं बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होकर आ चुका है। तो चलिए फिर से अब पेमेंट करना है, तो फिर से आधार नंबर फिल करेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गो टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। गो टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पर आपको पे फी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट पर। यहाँ पर आपका जो डिजिटल सेवा से आप जब लॉगिन करते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद अब वॉलेट पिन यहाँ पर डालिएगा। वॉलेट पिन पर डालने पर पे पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।